नवरात्रि के शुभ अवसर पे भव्य कलश यात्रा देख लीजिए, हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पे कन्याओं ने भाग लिया है। देख लीजिए कन्याएं, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग। और ये नजारा देखिए कितना जबरदस्त और कितना भव्य होता है। नवरात्रि आते ही पूरा गांव क्या पूरा देश माता रानी के भक्ति में विलीन हो जाते हैं सभी। जिसनी कन्याएं के सर पे कलश है सभी लोग वहाँ पे अंदर रखाए जा रहे हैं। देखो सभी कलश ऐसा कुछ भी हुआ इस मंदिर में प्रांगण, मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद ये कलश यात्रा। जितनी कन्याएं थी सभी का कलश यहाँ पे रखा गया। कितना कलश होगा लगभग? आप लोग के घर से आ रहे हैं आप लोग मिलने के लिए, आप लोग जरूर को मना गया माता दी लेके, और हम लोग आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, इनसे का लाइक देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 7 और हम हैं अपने गांव के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो आज हमारे गांव कमरगंज से बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकला हुआ है। लगभग हजारों हजारों की संख्या में कन्याएं ने भाग लिया है। और आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए, और जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल के साथ बने रहिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक देखिए जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए हमारे पीछे कलश यात्रा बढ़ चुकी है, तो आप लोग को दीदार करवाते हैं और दर्शन करवाते हैं जो 1000 कन्याएं जो माता के रूप में आज हमारे गांव में जो चल रही हैं माता पे कलश लेकर, और माता रानी का आगमन के लिए स्वागत में बहुत सारे ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए बड़े ब्लॉग के साथ करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ही भव्य कलश यात्रा ये चल रहा है। और हमारे आगे अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए घोड़ों की सवारी आ रही है और बहुत सारे कन्याएं लोग से पूरे गांव में बढ़ेंगे। देख लीजिए आप लोग बहुत ही जबरदस्त, सभी लोग देखिए सभी लोग भाग ले रहे हैं इस कलश यात्रा में। देख लीजिए और अगर आप लोग को बताना चाहे तो लगभग हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और जितने लोग हैं सभी लोग भाग लिए इस कलश यात्रा में। चलिए आप लोग को और दीदार करवाते हैं। तो देखिए मीठे मीठे कदमों से सभी कन्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं कलश लेकर। तो आप लोग जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और ये माता रानी का भव्य स्वागत हो रहा है आज के इस पहली पूजा में। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है आज से। देखिए सभी कन्याएं सर पे लिए हुए हैं माथे पे कलश और धीरे धीरे अपने अपने मीठे कदमों से सभी लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। चलिए और थोड़ा करीब चलते हैं और आप लोगों को व्यू दिखाते हुए चलते हैं। देखिए ये हाईवे है, तो जितने लोग गाड़ी वाले अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उनसे हम यही अनुरोध करेंगे चाहे कहीं भी कलश यात्रा हो रहा हो आप लोग गाड़ी इस स्थिति में थोड़ा धीरे ही चलाएंगे। देख लीजिए, देखिए मीठे मीठे कदमों से सभी माताएं जितने हैं कलश लिए हुए सर पे सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस भव्य कलश यात्रा की देख लीजिए आप लोग, और पूरा डीजे वीजे के साथ पूरा स्वागत के साथ ये चल रहा है कलश यात्रा। देख लीजिए और ये नजारा देखिए कितना जबरदस्त और कितना भव्य होता है। नवरात्रि आते ही पूरा गांव क्या पूरा देश माता रानी के भक्ति में विलीन हो जाते हैं सभी। देखिए तो ये कन्याओं का लाइन है, उसके आगे एक डीजे जा रहा था, उसके पीछे दो डीजे, मतलब पूरे तैयारी के साथ माता रानी का स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप लोग, तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं ये कलश यात्रा हम लोग के इस गांव में लगभग 10 साल से 2014 में हमारे इस गांव के मंदिर की स्थापना हुई थी, और ये 2024 लगातार 10 साल से हमेशा ये भव्य कलश यात्रा चलता है। और अगर आप लोग को दिखाना चाहे तो देखिए रास्ते में माता रानी का दर्शन, ये भव्य कलश यात्रा का दर्शन देखने के लिए श्रद्धालुओं लोग घर से निकल के देखिए कलश शोभा यात्रा को देखने वालों की भक्तों की भीड़ देखिए। क्यों ना हो भैया, ऐसा अगर माहौल हो तो फिर सभी लोग घर से निकल के इस कलश यात्रा में भाग लेते ही लेते हैं। ये सिर्फ एक गांव का, ये जितनी कन्याएं एक गांव का नहीं, देखे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे पैर पे दे रहे हैं देखिए, ताकि किसी भी कन्याओं को चलने में कोई तकलीफ ना हो। देखिए यहाँ पे देखिए पाइप भी लगाया जा रहा है, पाइप लगा लगे ताकि किसी भी कन्याओं को चलने में दिक्कत ना हो। देखिए
तो देखिए हमारे मंदिर कमेटी के जाएगा क्योंकि हमारे शासकीय कांग्रेस से उनके द्वारा यह महत्वपूर्ण आयोजन किया जाएगा। आग्रह है भाई से भाई संख्या में पहुंचकर महाआरती को सफल बना दो। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग महाआरती का आयोजन लेना चाह रहे हैं तो हमारे इस गांव में आइए कमलगंज में, और महाअष्टमी के दिन बनारस से जो पंडित जी आते हैं वो यहाँ पे महाआरती करवाते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया और आप लोग तक में पहुँचा दिया गया। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर। तो चलिए रिक्शा से हम लोग को एंजॉय करवाते हैं भव्य कलश यात्रा का। देखिए जय माता दी लोग दिख रहा है आप लोग को, छोटे छोटे भक्त श्रद्धालु सभी लोग साथ में चल रहे हैं। देखिए क्या भव्य नजारा है। और अगर आप लोग को बताना चाहे ना, ये कलश यात्रा लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए हम सोचे कि अभी आगे निकल के आप लोग को व्यू दिखाएंगे, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ गए एक तरह से, और अब आ रहे हैं बिल्कुल मेन छोर पर। इसके बाद यहाँ से आप लोग को जो व्यू दिखाएंगे वो दिखाना आप लोग को। देखिए लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये कलश यात्रा है हम लोग के इस गांव में, और हर साल ये होता है। पिछले 10 सालों से लगातार ये कलश यात्रा चल रहा है। देखिए और सभी लोग देखिए एक ड्रेस में है, चुनरी ली हुई है सभी, लाल लाल चुनरी माताओं का चढ़ती है, लाल लाल चुनरी ये है। देखिए देखिए यहाँ पे ये है मेन छोर। देखिए अभी लगभग 2 किलोमीटर लंबा लाइन था और हम पहुंच गए मेन छोर। यहाँ देखो कितनी माता रानी के इस भव्य स्वागत में सारे घुड़सवार सब जो है जितने सभी को बहुत बहुत थैंक यू के पात्र है। और देखिए जैसे इतना रोड जो है ना, इतना मतलब ऊबर खाबर रोड है, इसमें भी देखिए सभी लोग खाली पैर जा रहे हैं। देखिए आप लोग को बिल्कुल जूम इन करके आप लोग को दिखा, देखिए सभी लोग कह रहे हैं गढ़ रहा है। देखिए ये माता रानी का जो मीठे मीठे कदम है आप लोग देख लीजिए, कितने मीठे मीठे कदमों से सभी लोग चल रहे हैं। देखिए तो ये देखिए ये एक जो रोड आप लोग को दिख रहा है ना, देखिए कितना ऊबड़ खाबड़ ये कंकड़ भरा है, फिर भी देखिए सभी लोग खाली पैर। ये माता रानी की भक्ति है और ये माता रानी की शक्ति है, क्योंकि इतने इतने हजारों हजारों कन्याएं इस कलश यात्रा में जो भाग लिए हैं वो भी खाली पैर चलकर इस ऊबड़ खाबड़ वाले रोड में बिना किसी मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। देख लीजिए तो चलिए एक छोर आप लोग को स्टार्टिंग छोर से दिखाए हैं, और एक साइड उस साइड से दिखाए थे, बाएं साइड से एक साइड दाएं साइड से आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए सभी लोग देखिए सभी कन्याएं जितने भी इस माता रानी के कलश यात्रा में भाग लिए हैं सभी को बस माता रानी से हम ये अनुरोध करेंगे, जितनी कन्याएं हैं सभी का माता रानी सभी को कष्ट दूर करे। देखिए फिलहाल देखिए हमारे कमेटी के सदस्य सभी कलश यात्रा में अपना अपना सेवा प्रभाव कर रहे हैं, इसके लिए आरती का आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे समय संध्या 6 बजे से काशी पूजा चलिए काशी और बनारस के कमेटी द्वारा नया आरती का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण वासियों से आग्रह है भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस महाआरती को सफल बनाना। धन्यवाद। चलिए ये लास्ट छोर आप लोग को स्टार्टिंग से लास्ट छोर एक बार फिर से आप लोग को व्यू दिखा दिए। चलिए बढ़ते आगे की ओर और जब मंदिर के पास पहुंचेंगे तब आप लोग को व्यू दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़, देखिए देखने वालों की
इस भव्य कलश यात्रा को देखने के लिए देखिए श्रद्धालु लोग घर से निकल निकल के आए हैं और इस कलश यात्रा में भाग भी लिए हैं कुछ, और कुछ लोग इस कलश यात्रा का दीदार भी करें और दर्शन भी कर रहे हैं। चलिए और देखिए ये रूही, रूही तुम भी भाग लिया कलश यात्रा में, देखिए दौड़ रही है ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए सभी लोग अपने अपने इस मोबाइल में कैमरे में कैद कर रहे हैं इस मोमेंट को, क्योंकि ये मोमेंट फिर एक साल बाद आने वाला है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं और जितने लोग श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनका दर्शन भी कर रहे हैं। ये कलश यात्रा अपने आप में एक भव्य है। देखिए सब लोग मोबाइल से कैद कर रहे हैं मोमेंट को, देखिए टीवी उठा के टैब में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए बड़ा वाला टैब है, देखिए कितना बड़ा टैब में रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लीजिए इसको कर रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे सभी श्रद्धालु के लिए यहाँ पे देखिए शरबत की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे शरबत की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे देखिए जितने लोग चल रहे हैं यहाँ पे शरबत की व्यवस्था की गई है। एक दो हमको देखिए यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे शरबत की व्यवस्था की गई है। देख लीजिए आप लोग जितने भी लोग हैं, तो जैसे ही हम लोग गांव से थोड़ा आगे बढ़े हैं, आप लोग को आगे काजल जल दिखाए थे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे मीठे शरबत का भी यहाँ पे मतलब दिया जा रहा है यहाँ पे सभी लोगों को मीठे शरबत, ताकि जो लोग भी थके हुए हों वो लोग पी सके। तो चलिए मैया रानी से ये लोग, तो देखिए हमारे कमरगंज के वार्ड नंबर 6 के वार्ड साहब हमारे साथ चल रहे हैं इस कलश यात्रा में। तो देखिए क्या कहना चाहिए, कुछ कहिए, कलश यात्रा कैसा लग रहा है? चलिए देखिए हम लोग और चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए बढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे, कभी बाइक से कभी टोटो से, ताकि आप लोग को अच्छे से व्यू दिखा सके। देखिए मेन जो लाइन है वो मंदिर तक पहुंच चुका है, हमारा कलश यात्रा पहुंच चुका है हमारे मंदिर के प्रांगण तक। अभी जाए कि अगले गांव, ये हमारा मंदिर गांव का माँ दुर्गा मंदिर कमरगंज। और देखिए यहाँ पे सभी लोग बच्चे लोग को देखिए। चलिए हम लोग मंदिर के पास पहुंचे हैं और अभी आगे बढ़ते हैं जहांगीरा गांव, वहां तक जाएगी कलश यात्रा आगे क्यों बढ़ेगी। जब वहां से जब रिटर्न होगी जितने कलश आप लोग देख रहे हैं सारे यहाँ पे स्थापित होंगे और फिर आज से यहाँ से पाठ शुरू हो जाएगा। बहुत ही भव्य कलश यात्रा हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये भी एंजॉय कर रहा है, चलिए मंदिर के प्रांगण से आगे बढ़ चुके हैं। माता भव्य कलश यात्रा उधर से अभी लौटेंगे, लगभग हाफ किलोमीटर किलोमीटर इधर भी जाना है। ये जंगीरा गांव है जहां से इस दुर्गा मंदिर के दर्शन करने के लिए कमरगंज से भी आते हैं श्रद्धालु लोग, और भाग भी लिए हुए जहांगीरा से भी लिए हुए हैं। तो इस कारण से जो ये मंदिर मेन एरिया बीच में आता है, इसलिए कमरगंज और जहांगीरा यहाँ पे घुमाया जाता है यहाँ पे सभी श्रद्धालु। चलिए और भी आगे आप लोग को लेकर चलते हैं और आप लोग को व्यू दिखाते हैं। माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए सभी श्रद्धालु लोग अपने अपने घर से निकल कर इस कलश यात्रा का शोभा और ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए क्योंकि ऐसा नजारा फिर साल भर के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे पहली पूजा को हमारे इस गांव से दुर्गा मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आप लोग तो चलिए कलश यात्रा चलकर हमारे गांव कमरगंज से पहुंच चुकी है जहांगीरा, और यहां पे भी श्रद्धालुओं की भीड़, मतलब ये बिल्कुल अंतिम छोर पे आ गए हैं जहां से हम लोग का रिटर्न होगा यहां से कलश यात्रा। देखिए यहां पे देखने वालों की भीड़, देखिए सभी श्रद्धालु लोग घर से निकलकर इस कलश शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देख लीजिए, देखिए पीछे से सभी लोग चले आ रहे हैं और कलश यात्रा जो है बस कुछ ही पल में हम लोग का यहाँ से मंदिर की ओर बढ़ेगा यहाँ से घूमने के बाद।
देखिए पहुंच चुके हैं बिल्कुल हम लोग जहांगीरा के बिल्कुल लास्ट छोर पर, जहां से हम लोग का कलश यात्रा मंदिर के लिए अब यहां से रिटर्न हो जाएगी। अभी हमारा कलश यात्रा कमरगंज गांव, जो हमारे गांव है, वहां से रिटर्न होगा जहांगीरा पहुंचा, फिर जहांगीरा से वापस होने के बाद देखिए स्कूल के सारे बच्चे लोग भी निकल के इस कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देखिए चलिए, और अगर आप लोगों को दिखाना चाहे ना मौसम, देखिए भैया क्या जबरदस्त, ये माता रानी की शक्ति, जो कि जितनी कन्याएं इस कलश यात्रा में भाग ली थी, किसी प्रकार किसी को कष्ट ना हो किसी श्रद्धालु को, माता रानी बिल्कुल छांव कर दी है। देखिए चलिए आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और अब यहाँ से हमारा कुछ देर में यहाँ से कलश यात्रा रिटर्न हो जाएगा मंदिर की ओर। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को रिटर्न का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए, हमारे गांव से जो कलश यात्रा हमारे मंदिर से जो निकली थी, वो अब यहाँ से फाइनली रिटर्न हो रही है। देखिए एक उस छोर से लाइन जा रही है और एक छोर से ये लाइन वापस आ रही है, और ये अब मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जो फेरी होना था, जो घुमाना था, वो अब यहाँ से पूरा होता है, और अब बाकी जो प्रक्रिया होगी अब यहाँ से फिर मंदिर पहुँचने के बाद। देखिए सभी श्रद्धालु जितने हैं, सभी लोग साथ में चल रहे हैं, जितनी माताएं कन्याएं हैं, सभी लोग धीरे धीरे मीठे मीठे कदमों से अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए चले जा रहे हैं सभी। चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर के पास जो कलश स्थापित होगा वो भी आप लोग को दिखेगा। जितने सारे आप लोग को ये कलश दिख रहे हैं ना, जितना कलश आप लोग को सर पे दिख रहा है, ये सारे मंदिर के प्रांगण में रखा जाएगा, तो वो भी आप लोग को व्यू दिखाएंगे। कितने कलश होंगे वहाँ पे अंदाजा आप लोग को वहाँ पे जो होंगे कमेटी मेंबर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मंदिर में जो आप लोग को अनाउंसमेंट किया गया था महाआरती का, वो अष्टमी के शाम को 6 बजे महाआरती होगा, जो कि जितने लोग ये देखना चाहते हैं इस महाआरती का भव्य नज़ारा, आप लोग जरूर आए हमारे गाँव कमरगंज, जरूर आए। चलिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग। देखिए एक लाइन इधर से चल रही है, एक लाइन उस साइड से चल रही है, मतलब दो लाइन है, ये उस साइड वाली लाइन जा रही है, वो वहां से रिटर्न होने के बाद मंदिर की ओर बढ़ेंगे। और गाड़ी वाले भैया देखिए कहां से कहां घुस जाते हैं, देख लीजिए इनको, इन लोगों के लिए क्यों कन्याएं माताएं सभी लोग कलश लेकर निकले हुए हैं इस भव्य कलश यात्रा में, देख लीजिए। और मौसम इतना खुशनुमा हो गया कि माता रानी देखिए बिल्कुल मौसम ठंडा कर दिया, जब यहाँ से कलश यात्रा निकली थी तो बहुत तेज धूप थी। तो देखिए धीरे धीरे सभी कन्याएं बढ़ रहे हैं। भव्य कलश यात्रा में बारिश शुरू हो गई है भैया, देखिए बारिश शुरू हो गई है बहुत जबरदस्त वाली, हरा पड़ रही है हमारी ये कलश यात्रा मंदिर की ओर। चलिए मौसम ऐसा हो तो कलश यात्रा में भाग लेने वाले सभी कन्याएं जितनी हैं सभी को अच्छा महसूस हो रहा होगा। देखिए बड़े बड़े फूल गिरने लगे, रुक जाते गुलाब जल बरसा रही थी, बरसने लगा बादल। हमारे ग्रामीण क्या कहना चाहेंगे कलश यात्रा के बारे में, कैसा लगता है? एक नंबर लग रहा है, बहुत जबरदस्त जो हर साल हमेशा ये कलश यात्रा चलता है। चलिए देख लीजिए, चलिए अब आप लोग से मिलेंगे सीधा मंदिर के पास, ये भी आप लोग देखते जाइए। ये है कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा, देख लीजिए। बारिश शुरू हो चुका है और जितनी कन्याएं हैं सभी को अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि माता रानी देखिए ऐसे ही माता रानी सभी से दोनों भक्तों के सवाल पहले कर रहे हैं, देखिए ऐसे दौड़ रहे कैसा लग रहा है, जय माता दी। चलिए देखिए माता रानी देखिए इतने सारे श्रद्धालुओं में खुश हो चुके हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, ताकि किसी श्रद्धालु जितने लोग माता है चल रहे इनको कष्ट ना हो। यहाँ पे कलश स्थापित होगा वहाँ पे मिलेगा, यहाँ से लगातार एक साल देखिए ऐसा नजर आप लोग को साल भर के बाद ही मिलेगा देखने को, तो आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। देखिए छोटी छोटी कन्याएं हैं, तो चलिए रिमझिम बारिश के बीच कलश यात्रा पहुंच चुका है हमारे मंदिर प्रांगण में। पूरा हाईवे कवर हो चुका है और धीरे धीरे कलश यात्रा बढ़ गया है। अच्छा चलो अंदर चलो,
देख लीजिए कलश यात्रा पहुंच गए मंदिर के प्रांगण में और सभी कन्याएं अब इस मंदिर के प्रांगण में अंदर जाएंगे। देखिए अभी आप लोग को खाली दिख रहा है, बिल्कुल अभी फुल हो जाएगा। देखिए चलिए जय माता दी, आप लोग कमेंट में लिखिए। ये देखिए नजारा, अभी जो आप लोग को खाली दिख रहा है ना, बिल्कुल फुल हो जाएगा। ये देखिए जिसनी कन्याएं के सर पे कलश है, सभी लोग वहाँ पे अंदर रखाए जा रहे हैं। देखिए सभी कलश अंदर रखा जा रहा है, देख लीजिए आप लोग जितनी कन्याओं के सर पे कलश। और यहाँ से जो कन्याएं निकलेंगी वहाँ पे शरबत वितरण हो रहा है, वहाँ पे सभी लोग शरबत पिएंगे वहाँ पे। देखिए आइए आप लोग को आगे चल के नजारा दिखाते हैं। देखिए सभी कन्याएं के सर पे जो आप लोग को कलश दिख रहा है, सभी कन्याओं के सर पे कलश उठाने उतरने के बाद वो लोग सभी लोग शरबत पिएंगे। देखिए सभी का कलश सर पर से लेने के बाद कलश सभी मंदिर के प्रांगण में रखा जा रहा है अंदर। जितनी कन्याएं थी, जितनी श्रद्धालु थी, जितने चंपा चढ़ के इस कलश यात्रा में भाग लिए थे, सभी के लिए यहाँ पे शरबत का व्यवस्था किया गया। देखिए सभी कन्याएं माता के लिए यहाँ पे शरबत का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि जितनी कन्याएं माता है यहाँ पे इस कलश यात्रा में भाग ली हुई है, उनका यहाँ पे प्यास बिल्कुल मिट सके यहाँ से। देखिये शरबत उठाते तो चलिए शरबत पीने के बाद यहाँ से सभी कन्याएं अपनी अपनी घर की ओर जाएंगी। और आज से होता है यहाँ से नवरात्रि की शुरुआत। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी इस माँ दुर्गा मंदिर कमरगंज के प्रांगण में। तो चलिए थोड़ा शरबत बांटते हैं और कैमरामैन दूसरे को बनाए हुए, चलिए शरबत दे रहे हैं। लीजिए 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 लीजिए। आराम आराम से सबको मिलेगा। और भरो इसको थोड़ा भरो भरो। लीजिए लीजिए लीजिए। तो चलिए थोड़ा पुण्य कमाए, भीड़ बहुत ज्यादा है और वीडियो भी आप लोगों को कवर करके देना है। चलिए बांट लिए सभी को, चलिए ब्लॉक बड़ा होगा तो फिर आप ब्लॉक को एंड करते हैं। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, अभी जितना आप लोग को कन्याएं के सर पे जो आप लोग कलश देखे ना, वो मंदिर के प्रांगण में रखा गया है। कितना कलश हो सकता है वो अभी अंदर चलेंगे आप लोग को और वहाँ का भी आप लोग को व्यू दिखाते हैं कि कितना कलश वहाँ पे रखा गया है। और लगभग यहाँ पे जितनी कन्याएं थी सभी लोग शरबत ग्रहण करने के बाद अपने अपने मीठे कदमों से घर की ओर जा रहे हैं। चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कलश जहाँ पे स्थापित है, जो इतने सारे कलश रखे गए हैं कहाँ पे रखा गया वो आप लोग को दिखाते हैं। एक मिनट, कलश कहाँ पे रखा गया है सारा। देखिए जितनी कन्याएं थी वो अभी आप लोग को दिखाना चाहे, देखिए जितनी कलश थी यहाँ पे कलश रखा गया। किधर कलश रखा गया देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहते। देखिए जितनी कन्याएं थी सभी का कलश यहाँ पे रखा गया। कितना कलश होगा लगभग देख लीजिए, यू मान के चले तो 500 प्लस तो होगा भैया। देख लीजिए ये कलश, इतने सारे कलश है। देख लीजिए जितनी कन्याओं के सर पे थी कलश सभी को यहाँ पे रखा गया है। तो जितनी कन्याएं इस कलश यात्रा में भाग ली, बस सभी की माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। चलिए आप लोग को दिखा दिए जितना कलश था जिनके सर पे था और हमारे पंडित जी आज की पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। कितना देखिए 500 प्लस कलश है और लगभग यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में थी। तो चलिए ये हमारे दुर्गा मंदिर में आज से प्रथम पूजा का शुरुआत होगा और हमारे पंडित जी आज माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और ऐसे ही आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। आज से अभी लगातार 10 दिनों तक ये नवरात्रि की धूम चलेगी और अगर यहाँ से एक व्यू आप लोग को दिखाना चाहें तो देखिए श्रद्धालुओं की भीड़। माता का आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी घर की ओर। देख लीजिए जितनी यहाँ पे कन्याएं थी सभी का कलश आप लोग को दिखा दिया, अंदर रखा गया। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग आप लोग जरूर बताइए। चलिए चलते हैं और यहाँ देखे दिया गया और इतने सारे आप लोग को कन्याएं दिख रही है ना, ये सारी कन्याएं हमारे मंदिर में सभी सहेंगे। देख लीजिए छोटी छोटी कन्याएं आप लोग सभी मंदिर में सह रहे हैं इस बार। देखिए जितनी छोटी छोटी कन्याएं आप लोग को दिख रही है, 9 कन्याएं हैं, सभी लोग इस बार हमारे इस गाँव के जो मंदिर कमरे गाँव के मंदिर में है, ये लोग देख लीजिए यहाँ पे जो भी कुछ सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। देख लीजिए ये छोटी छोटी कन्याएं इस बार हमारे
मंदिर में 9 दिन तक मतलब कन्याएं आके हम लोग का मतलब मंदिर का मतलब होते हैं ना कि जो भक्तों की भक्तों को आशीर्वाद देंगे। देख लीजिए, चलिए सुबह आप लोग का भी नजारा दिखा है और अभी साफ लीजिए मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई की भी कमी नहीं की जा रही है। देखिए साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए ये हमारे शशि हैं जो दोस्त हैं मंदिर प्रांगण में पूरी तरह से साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नहीं चलिए साफ सफाई का ध्यान रखा, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह में जल चढ़ाते हैं और शाम को आरती में शामिल होते हैं। चलिए तो फाइनली भव्य कलश यात्रा दिखाने के बाद अब चल रहे हैं हम घर। तो आप लोग को दिखा दिए कि लगातार 10 सालों से हमारे इस मंदिर कमरगंज दुर्गा मंदिर प्रांगण में लगातार 10 सालों से ऐसे ही भव्य कलश यात्रा होता है और इसमें लगभग हजारों हजारों संख्या में कन्याएं बच्चे बूढ़ी सभी लोग भाग लेते हैं। तो जितने लोग जितनी महिलाएं जितने बच्चे जितने लोग इसमें कलश यात्रा में भाग लिए सभी को बस दिल से थैंक यू कहते हैं और माता रानी उन पर कृपा बरसाए। और जितने लोग इस ग्रामीण जो हमारे हैं आसपास के ग्रामीण में जितने लोग इस कलश यात्रा में भाग लिए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। जितने लोग सहायता किए हैं जो माताएं चल रही थी कलश लेके सर पे और उनको दिक्कत हो रही थी चलने में और कलश लेके चल उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए और हो सके फ्रेंड्स भाई के लिए एक लाइक एक कमेंट एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी होगा, उसे फॉलो करके हमसे डीएम कर सकते हैं और ऐसे ही ऐसे नजारा देखने के लिए बस हमारे चैनल से बने रहिए। फेसबुक देख रहे जरूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स जय माता दी आज से शुरू हो रहा है तो आप लोग कमेंट में जय माता दी। चलिए बाई।